चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पंजाब में जो हुआ है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक से मारपिटाई होना बेहद निंदनीय भी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि किसानों के खाते में MSP लगकर ही दाम जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली हमारे लिए हरियाणा जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सामान खरीदा गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की परचेज आज की गई है। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। परचेज कमेटी की बैठक हुई है, काफी लंबी बैठक चली है सर, क्या कोई महत्वपूर्ण फैसले खरीद को लेकर हो पाए? देखिए, सामान्यतः हम हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडास थे। मुख्य रूप से जिसके अंदर एजुकेशन की ओर से दो प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज मैंने खरीदा है, और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़े। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडाज थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपये की आज जो है परचेज वो की गई है। सर, 1 तारीख से फसलों की खरीद शुरू हो रही है, आपने पिछले दिनों समीक्षा बैठक भी की थी, 1 अप्रैल से फसलों की खरीद को लेकर और पेमेंट को लेकर सर पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं? हाँ, डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं, मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूँ की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपया क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं, वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय आया, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं उस प्रकार से वो करेंगे। किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह से पंजाब में अपने नारे पर हमला हुआ, प्रदेश में भी अलग अलग जिलों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन की गई, किस तरह से देखते हैं सर ये, जिस तरह से एक अलग तरह का एग्रेशन दिखाया जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है, और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है, हमने पब्लिकली भी, आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए, और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।